नमस्कार, मैं हूं शिवा पुरोहित और आप हैं सागर टीवी न्यूज के साथ और देख रहे हैं हमारी खास सीरीज 10 का दम। आज के एपिसोड में बात सागर विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय भाजपा के उन युवा चेहरों की जो सागर की राजनीति में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। ये सागर युवा नगर टीम भाजपा है। इन युवा चेहरों के साथ भाजपा के सैकड़ों युवा कदम ताल करते हैं। जोश से भरे राजनीति में आकर सागर में बदलाव लाने की मंशा रखते ये युवा सागर की तस्वीर बदलने तैयार हैं। कांग्रेस की टीम की तरह हम भाजपा की इस टीम के बारे में आपको बताएंगे जो चुनावी मैदान में विरोधी टीम को टक्कर देंगे। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि इस टीम का कौन सा खिलाड़ी कांग्रेस की टीम को टक्कर देगा और सागर नगर की सीट में दोबारा भाजपा का परचम लहराएगा। राजनीति में रहकर सागर के सुनहरे भविष्य की कल्पना करने वाले ये 10 युवा भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है। भाजपा के लिए सागर विधानसभा में 10 का दम साबित होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सागर की इस युवा टीम के युवा नेताओं के परिचय से। भाजपा की टीम का सबसे पहला खिलाड़ी है युवा चेहरा अर्पित पांडे। भाजपा का युवा चेहरा, युवा टीम के जिला अध्यक्ष अर्पित पांडे। भाजपा की टीम का बहुत सारा दारमदार इन पर है। इसी विधानसभा के रहने वाले हैं। जिले भर की टीम को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी है। स्मार्ट है, अनुशासित है, इंटेलिजेंट है, अब लोकप्रिय भी है। सागर नगर विधानसभा पर अगर ये फोकस बनाए रहेंगे तो ये सीट भाजपा को निकालना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। फिलहाल इनकी जो टीम बिखरी बिखरी दिखाई दे रही है उसको इन्हें एकजुट करना होगा। ये अपनी टीम के रोहित शर्मा साबित हो सकते हैं। भाजपा की टीम का दूसरा खिलाड़ी युवा चेहरा बारिश तिवारी। मोतीनगर इलाके में रहने वाले बारिश युवाओं में अच्छी खासी पैड रखते हैं लेकिन कई बार डक आउट हो जाते हैं, कारण मंच को संबोधित ना कर पाना। लेकिन मंच के नीचे सभी जवाबदारियां निभा लेते हैं, पिता की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। सपना पिता को विधायक देखने का है लेकिन भाजपा के लिए समर्पित हैं। इसलिए टीम का कप्तान कोई भी हो, ये टीम के लिए बेहतर खेल खेल सकते हैं। ये भाजपा की युवा टीम के शिखर धवन है। तीसरा चेहरा है भाजपा युवा मोर्चा जिला महामंत्री शालीन सिंह का। सागर विधानसभा के युवाओं में नाम सबसे ऊपर है लेकिन हाल फिलहाल इन्होंने देवरी का रुख कर लिया है, वहां से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, मिलनसार हैं, दबंग हैं। कुछ को इतना पसंद आते हैं कि वो इनके लिए लड़ने भिड़ने तैयार हो जाते हैं तो कुछ की आंखों में इस कदर चुपते हैं कि वो इन्हें देखना तक पसंद नहीं करते। सागर विधानसभा क्षेत्र में अच्छी खासी युवाओं की टीम है लेकिन इनका मन देवरी में लगने से इस टीम को नुकसान हो सकता है। हालांकि अगर ये सागर विधानसभा की युवा टीम का हिस्सा नहीं रहते हैं तो इनकी जगह एक और युवा खिलाड़ी जो टीम का हिस्सा बन सकता है वो है भीतर बाजार में रहने वाले युवा मोर्चा के नगर मंडल के महामंत्री विकास केशरवानी। ये भी एनर्जेटिक हैं, तेज तर्रार हैं, अपनी बात खुलकर सामने रखते हैं। ये दोनों ही टीम के बन सकते हैं विराट कोहली। युवा भाजपा टीम का चौथा युवा खिलाड़ी जो युवराज सिंह की तरह निर्णायक पारी खेल सकता है वो है युवा मोर्चा का पूर्व नगर अध्यक्ष रितेश मिश्रा। रितेश हाल फिलहाल थोड़ा ढीला चल रहे हैं, सक्रियता केवल एक नेता तक सीमित कर ली है लेकिन भाजपा की टीम के अहम खिलाड़ी हैं। सागर नगर विधानसभा में अपना नाम बहुत तेजी से ऊपर तक लाए और युवाओं में भी दमखम रखते हैं। कहानी ये है कि जब से युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष पद से अलग हुए हैं तब से भाजपा में भी अलग थलग दिखने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। ये टीम का अहम हिस्सा है जो सिक्सर मारकर मैच जिता सकते हैं। पांचवा नाम है भाजपा की युवा टीम के अहम खिलाड़ी का, वो है गोल्डी केशरवानी का। गोल्डी रहते भगवानगंज में है, परिवार भीतर बाजार इलाके में भी रहता है लेकिन भाभी भाजपा से सुर्खी की विधायक है। तो चुनाव में अगर इनकी भाभी को भाजपा फिर मैदान में उतारेगी तो सागर विधानसभा छोड़कर ये खिलाड़ी सुर्खी विधानसभा का रुख कर सकता है और अगर ऐसा होता है तो इसकी जगह ले सकता है भाजपा का दूसरा खिलाड़ी जिसका नाम है विनोद प्रजापति। विनोद गोल्डी की तरह डिसेंट, स्मार्ट और एनर्जी वाले युवा चेहरा हैं। विनोद भाजपा में स्मार्ट प्लेयर है जो किसी भी पिच पर, किसी भी मौसम में, किसी भी बॉल पर सिक्सर मार सकते हैं। इन दोनों की जो क्षमताएं हैं उन्हें देखकर कहा जा सकता है कि ये दोनों टीम के अजिंक्य रहाणे हैं। भाजपा की टीम के छठवें खिलाड़ी का नाम है यश अग्रवाल। ये नगर युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, राजनीति में बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, परफॉर्मेंस में भी सुधार हुआ है, फॉर्म में चल रहे हैं लेकिन अभी खेल को समझने में वक्त लग रहा है। सागर विधानसभा में सक्रिय युवाओं की टीम जोड़ ली है। इनके कंधे पर सागर विधानसभा के 24 वार्ड हैं। ये इस टीम के पीयूष चावला हैं। अपनी बॉलिंग से सामने वाली टीम को परेशान कर सकते हैं और विकेट भी चटका सकते हैं। सातवां नाम है युवा मोर्चा की नगर टीम में महामंत्री अरुण जैन मोनू का। भाजपा की युवा टीम का ये खिलाड़ी हिंदुत्व की बात करते करते भाजपा में आया, शुरुआत छोटे पद से की लेकिन टीम वर्क बहुत जबरदस्त है। भाजपा की युवा टीम के सागर विधानसभा के युवाओं में उभरता नाम है।
आर अश्विन जैसी फिरकी मारते हैं, ऑलराउंडर हैं, आखिरी बॉल पर सिक्सर मारकर भी मैच जिता सकते हैं, लेकिन अति आत्मविश्वास के कारण कई बार नो बॉल पर रनआउट हो जाते हैं। आठवां खिलाड़ी जो इस टीम के लिए एक सफल बॉलर है, जो इन स्विंग, आउट स्विंग, स्लोअर, बाउंसर, कुल मिलाकर विकेट टेकर है, वो है दीपक दुबे। दीपक युवा मोर्चा गौर मंडल के अध्यक्ष हैं, जो अभिषेक केशरवानी को रिप्लेस कर टीम में आए हैं। इनका परफॉर्मेंस भी बेहतर है, इनके साथ ही इनके लिए जान लगा देते हैं, ये भी भाजपा के लिए जान लगाकर खेल सकते हैं। खिलाड़ियों में खिलाड़ी और बॉलर में बॉलर ये ईशांत शर्मा है। नौवां नाम है भाजपा के उस युवा खिलाड़ी का, जो खिलाड़ी एक डिसेंट प्लेयर है, अपनी स्टाइल में खेलता है, वो है गोपालगंज में रहने वाले रवि ठाकुर। लिखते और बोलते अच्छा है, शांत है, संयमित है, युजवेंद्र चहल की तरह टीम के लिए विकेट निकाल सकते हैं। रवि की शैली आलोचना ना करने वाली है, सभी के साथ मिक्स हो जाते हैं, लेकिन इनका समर्पण फिलहाल खुरई में ज्यादा है, यानी गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह के प्रति ज्यादा आस्था रखते हैं, और हो सकता है विधानसभा चुनाव में वही ज्यादा दिखाई दे। इसलिए इनके अलावा एक और युवा है जो टीम में युजवेंद्र चहल की तरह अपनी जगह बनाए हुए हैं, वो है श्रीकांत जैन। श्रीकांत बीजेपी के उन युवाओं में शुमार हैं जो ऊर्जावान हैं, सागर विधानसभा में सबसे ज्यादा सक्रिय हैं, नगर विधायक के नजदीकी हैं और राजनीति में फुल टाइम देने वाले हैं। हाल फिलहाल राजनीति में बॉलिंग सीख गए हैं कि सामने वाला जब तक कुछ समझ पाए तब तक उसका विकेट ही गिर जाए। भाजपा की युवा टीम के 10वें खिलाड़ी हैदर अली राय, ये युवा हाल ही में भाजपा में शामिल हुआ है। ये जितना स्मार्ट सूरत से है उतना ही दिल का साफ है, खुद की बढ़िया टीम है जो हमेशा हैदर के लिए सक्रिय रहती है। बुंदेलखंड नवनिर्माण संगठन से समाज सेवा की शुरुआत करने वाले हैदर भाजपा के 10 का दम के जबरदस्त खिलाड़ी हैं। ये भाजपा की टीम के ऋषभ पंत हैं, जिनको अगर मौका मिल जाए तो ये खुद को साबित कर सकते हैं। भाजपा के इन 10 युवा नेताओं के अलावा कुछ और नेता हैं जो भाजपा के लिए 10 का दम है, आइए इन पर भी नजर डाल लीजिए। भाजपा की इस युवा टीम में कुछ पुराने चेहरे और हैं, जिन्होंने साल 2013 के विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका निभाई थी और अब इस युवा टीम का सपोर्ट कर आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि ये खुद युवा हैं, लेकिन इसके बाद भी नए चेहरों को मौका दिए जाने की मुखालफत करते हैं। रामेश्वर नेमा, अंशुल हरसे, प्रासुक जैन, अभिषेक अग्रवाल, राजीव जैन, आकाश ठाकुर, मनोज रेकवार, अमित बैसाखिया, नितिन चौधरी जैसे ढेरों नाम हैं, इनके बारे में भी आपको बताएंगे। सागर टीवी न्यूज़ हर उस शख्स के बारे में आपको बताएगा जो सागर में बदलाव लाने के लिए अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है। तो यदि भाजपा के युवा नेताओं की टीम भाजपा, आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है, भाजपा में चुनाव का दारोमदार युवाओं के कंधों पर होगा। ये युवा नेता भाजपा की नैया को पार लगाएंगे। सागर विधानसभा में इन युवाओं ने जोर दिखाया तो भाजपा की राह इस सीट पर आसान हो जाएगी। लेकिन भाजपा की ये सिर्फ 10 युवाओं की एक टीम है, इसके अलावा सैकड़ों युवाओं की कई सारी टीम और है जो भाजपा के प्रत्याशी को जीत दिलाएंगी। सागर टीवी न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम के जरिए सिर्फ इतना बताने की कोशिश की है कि ये युवा जो राजनीति में रहकर सागर में बदलाव लाना चाह रहे हैं, इनकी मंशा अगर वाकई ईमानदार रही तो सागर की तस्वीर बदल सकती है। हम भी और सागर की जनता भी यही चाहती है। तो ये थी हमारी खास सीरीज 10 कदम। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पेज को लाइक कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पर कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।